नमस्कार, मैं रोशन हूँ और आज भी हम पार्लियामेंट की बात करेंगे। नए पार्लियामेंट भवन का उद्घाटन 28 मई को है और उसकी तैयारियां बहुत जोर शोर से चल रही है। पार्लियामेंट का कुछ हिस्सा, अंदर का हिस्सा तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन बाहर का जो उसका जहां गड्ढे पड़े हुए थे या जहां सीवर बिछनी है, जहां कुछ और काम होना है, वो गड्ढे अभी भी हैं। और आज दिन भर वहाँ बड़े बड़े ट्रक और बुलडोजर और जेसीबी लगे हुए थे और वहाँ साफ सफाई कर रहे थे। और जो मुख्य गेट है, जिसका दरवाज़ा रेल भवन की तरफ या प्रेस क्लब की तरफ खुलेगा, उसका काम भी लगभग पूरा हो गया, क्योंकि वो मेन दरवाज़ा है, वहाँ से गेस्ट लोग भी आएंगे, तो उसको आज फिनिश करने का काम चल रहा था। और उसके बाद जो आप जो नॉर्थ गेट है, उसकी भी तैयारियाँ लगभग लगभग पूरी हो गई हैं। उसको शायद ऐसा लगता है कि 2 दिनों में वो भी काम पूरा हो जाएगा। और जो दक्षिणी द्वार है, दक्षिणी द्वार का काम पहले ही पूरा हो चुका था, वहाँ ज़्यादा काम नहीं, वहाँ 2 हाथियों की मूर्तियाँ हैं। तो ये चूँकि तिकोना प्लॉट है, तो इसमें 3 दरवाजे हैं, बाकी छोटे छोटे दरवाजे और भी हैं, लेकिन जो मुख्य दरवाजे हैं इसमें वो 3 हैं, क्योंकि बिल्डिंग तिकोनी है। तो उस बिल्डिंग की शुद्धता के लिए चेन्नई का मठ, ये वही मठ है जो जिसने 1947 में पंडित नेहरू को सिंगोल दिया था, यानी जो राजदंड था, चोल वंश के समय से जो परंपरा आ रही है उसका दंड दिया था राजदंड। तो उसको 28 मई को लोकसभा में स्थापित किया जाएगा और उसके लिए आज से ही, यानी आज 25 तारीख है, आज से ही उसके लिए दिल्ली के कुछ मंदिरों में पूजा शुरू हो गई है। और ये पूजा भी उसी मठ के ही पुजारी कर रहे हैं, और जो मुख्य पुजारी हैं वो भी दिल्ली पहुँच चुके हैं। और वो 28 मई की सुबह को 7 बजे पार्लियामेंट के जो नए पार्लियामेंट का प्रांगण है वहाँ हवन करेंगे, और उस हवन के लिए एक बड़ा सा टेंट वहाँ लगाया हुआ है। उस टेंट में प्रधानमंत्री मोदी होंगे, लोकसभा अध्यक्ष होंगे और कुछ और नेता होंगे। क्योंकि इस बिल्डिंग का इनोग्रेशन के लिए अपोजिशन ने, जो 20 पार्टियाँ हैं, उन्होंने इसका बहिष्कार की घोषणा की है। और उनका तर्क है कि राष्ट्रपति को उद्घाटन करना चाहिए, प्रधानमंत्री को नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री एग्जीक्यूटिव हैं और जो पार्लियामेंट है वो लेजिस्लेटिव है। तो जो विधायिका है वो स्वतंत्र है, वो सरकार से भिन्न है, अलग है। और चूंकि संसद, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलके बनती है, तो राष्ट्रपति को ही उद्घाटन करना चाहिए, क्योंकि वो संवैधानिक पद है और प्रधानमंत्री का पद संवैधानिक नहीं है, प्रधानमंत्री के एग्जीक्यूटिव बॉडी के हेड है, तो उनको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। पैसा सरकार देती है, ये स्वाभाविक सी बात है, जितने भी हमारे संवैधानिक पद हैं, संवैधानिक संस्थाएं, उन सबको सरकार ही धन देती है। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि कल जो सुप्रीम कोर्ट है और जो हमारा इलेक्शन कमीशन है, वहाँ भी सरकार फिर इंटरफेयर करेगी, क्योंकि सरकार पैसा देती है। तो एक मुद्दा है ये विपक्ष का, और मुझे लगता है कि सरकार को भी सोचना चाहिए। और इस जो बहिष्कार का मुद्दा है, ये पूरे इंटरनेशनल लेवल पर एक मुद्दा बना हुआ है कि ऐसा क्यों हो रहा है हिंदुस्तान में। और प्रधानमंत्री आज 3 देशों की यात्रा से सुबह लौट के आए, सुबह 5 बजे, तो बीजेपी की वहाँ बहुत सारे लोग एकजुट हुए थे, उनको उनकी ड्यूटी लगा रही थी कि प्रधानमंत्री का स्वागत करना है। तो प्रधानमंत्री ने वहाँ लोगों को संबोधित किया और विपक्ष पर आरोप लगाया कि वो कैसे एक अच्छे काम का विरोध कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि ऑस्ट्रेलिया में जब वो गए थे, सिडनी में प्रोग्राम हुआ था, तो कैसे वहाँ सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग जुट गए थे। तो ऐसे ही हिंदुस्तान की विपक्षी पार्टी को भी सोचना चाहिए कि केवल विरोध के लिए विरोध नहीं करना चाहिए, जो कंस्ट्रक्टिव काम हो रहे हैं, जो अच्छे काम हो रहे हैं, उनका समर्थन देना चाहिए, करना चाहिए। तो विपक्ष उस दिन इस उद्घाटन का समर्थन नहीं कर रहा है, वो जो बहिष्कार करेगा। अब देखिए, अगर ये जो उद्घाटन है, अगर राष्ट्रपति करते तो उस फंक्शन में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तीनों होते, लोकसभा अध्यक्ष होते, तो 4 लोगों का भाषण होता। और अब प्रधानमंत्री वहाँ उद्घाटन कर रहे हैं, तो वहाँ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बाहर हो गए हैं, क्योंकि प्रोटोकॉल है कि अगर आप किसी फंक्शन के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री को बुलाते हैं, तो वहाँ आप राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को नहीं बुला सकते। तो अब जो उपसभापति हैं हरिवंश सिंह, ये राष्ट्रपति का और उपराष्ट्रपति का संदेश पढ़ेंगे, यानी संदेश तो उनको देना ही पड़ रहा है, क्योंकि एक पार्लियामेंट का एक ऐतिहासिक काम हो रहा है और उस पार्लियामेंट का वो हिस्सा है, यानी राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते और राष्ट्रपति, दोनों को मिलाकर जब कोई बिल पास होता है तो राष्ट्रपति के साइन के बिना वो एक्ट नहीं बनता है।
और राष्ट्रपति ही दोनों सदनों के जो संयुक्त सत्र होते हैं उनको संबोधित करती है। राष्ट्रपति दो मौकों पर संयुक्त सत्र को संबोधित करते हैं, एक जब नई सरकार चुनकर आती है उसका पहला सत्र होता है, और दूसरा हर साल के शुरुआत में जब बजट सत्र होता है। तो ये दो मौके होते हैं जब राष्ट्रपति संयुक्त सत्र को संबोधित करते हैं। तो यहाँ राष्ट्रपति को बुलाना मुझे लगता है कि एक बड़प्पन होता अगर राष्ट्रपति को बुलाते, और चूँकि संसद भवन का उद्घाटन होना है तो खैर अब जो काम हुआ सो हुआ, अब इसकी जो उद्घाटन की तैयारियां हो रही हैं और जो चेन्नई का मठ है उस मठ से पुजारी दिल्ली आ चुके हैं और हवन की तैयारियां हो रही है। आज कुछ मंदिरों में उसका हवन हुआ और 28 मई को ही वीर सावरकर का जन्मदिन भी है, और उस दिन सुबह 8 बजे से हवन होगा, 7 से 8 बजे तक हवन होगा, फिर 8:30 बजे से 9 बजे तक या उसके थोड़ा आगे भी चल सकता है प्रोग्राम। वो जो सिंगोल है, जो राजधर्म है, उसको लोकसभा में स्थापित किया जाएगा, और 10:30 बजे से फिर पुराने संसद भवन के केंद्र कक्ष में सावरकर को पुष्पांजलि दी जाएगी। वहाँ पे प्रधानमंत्री और तमाम जो अति विशिष्ट व्यक्ति हैं वो रहेंगे, और चूँकि सावरकर को लेकर कांग्रेस का एक अपना रुख है, वो सावरकर की का विरोध करते हैं, क्योंकि जब महात्मा गांधी की हत्या हुई थी तो सावरकर का नाम उसमें आया था, हालांकि कोर्ट ने उन्हें दोष मुक्त किया था, लेकिन कांग्रेस का ये मानना है कि सावरकर की उसमें भूमिका थी। तो इसलिए कांग्रेस कभी भी उनके जन्मदिन या उन जब भी संसद में कोई प्रोग्राम होता है तो कभी नहीं जाते। यहाँ तक कि जब सावरकर की तैलचित्र लगा था केंद्र कक्ष में तब भी कांग्रेस ने इसका विरोध किया था, तो वो भी होगा। तो ये जो सावरकर की मूर्ति का मामला है वो भी राजनीति से प्रेरित है, क्योंकि महाराष्ट्र का जितने मराठी लोग हैं, महाराष्ट्र के लोग हैं, उनको सावरकर का अगर सम्मान मिले तो उनको भी अच्छा लगता है, और देश भर में भी जो कट्टर हिंदू लोग हैं उनको भी सावरकर को अगर सम्मान मिलता है तो वो भी इसका समर्थन करते हैं। तो लोग जो अभी नया संसद भवन है उसकी तैयारियाँ जो हैं उस तैयारियों को लेकर कल फिर और जो तैयारियाँ होंगी उस पर फिर हम बात करेंगे। अगर आप कोई सुझाव हो, कोई बात हो तो जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।